दोस्तों नमस्कार, जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, झारखंड सचिवालय में नया भर्ती का नोटिफिकेशन जारी की गई है। जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं फॉर्म भरने के लिए, दोस्तों वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। पूरी जानकारी दी जाएगी इस वैकेंसी के बारे में, क्या पोस्ट निकाला गया है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, अप्लाई किस तरह से करनी है, पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों वीडियो में। तो वीडियो को आप ज़रूर अच्छे तरीके से देखिएगा। देखिए, ऑल झारखंड मेल फीमेल सभी को इस वैकेंसी को आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यह वैकेंसी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी JSSC की तरफ से निकल कर आई है। स्टेनोग्राफर यानी अंशुलिपिक पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। कुल मिलाकर 464 पदों की यह वैकेंसी है। रेगुलर में देखिए 454 पोस्ट निकल कर आई है और बैकलॉग में 10 पदों की यह वैकेंसी आई हुई है। जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट पास किए हुए दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट पास हुए, तो इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, देखिए कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और एज कैलकुलेशन 1/8/2024 के अनुसार की जा रही है। मैक्सिमम एज दोस्तों जनरल और EWS कैटेगरी यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष है। मैक्सिमम एज पर देखिए OBC कैंडिडेट जितने भी हैं BC1 BC2 कैटेगरी के हैं तो 37 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। देखिए फीमेल कैटेगरी का आप हैं, जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं तो 38 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट SC ST के हैं, मेल हो या फीमेल हो, तो देखिए 40 वर्ष तक आप इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। मैक्सिमम एज लिमिट है इसका। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें PWD कैंडिडेट को 10 साल का जो है एक्स्ट्रा छूट दी गई है कैटेगरी वाइज। दोस्तों कितना पेमेंट आपको लग रही है, जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं तो 100 रुपये आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, या फिर अदर स्टेट से आवेदन कर रहे हैं तो 100 रुपये आपको पेमेंट लगेगी। SC ST हैं, झारखंड के हैं तो 50 रुपये आपको जो है पेमेंट देनी पड़ेगी। पेमेंट आपको जो है ऑनलाइन तरीके से ही करनी होगी। दोस्तों देखिए, फॉर्म भराना आपका स्टार्ट हो रही है 6 सितंबर से, ठीक है, और लास्ट डेट पेमेंट करने का, अप्लाई करने का, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का 5 अक्टूबर तक रखी गई है। देखिए करेक्शन डेट रखा गया है 7 से 9 अक्टूबर तक। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं 6 सितंबर से देखिए आप फॉर्म भरेंगे, 6 सितंबर से देखिए स्टार्ट होगी फॉर्म भरना। सिलेक्शन किस तरह से होगी दोस्तों, देखिए फर्स्ट स्टेज में आपका स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन लिया जाएगा, यानी सिर्फ जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा यह, ठीक है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट में देखिए पास हो जाएंगे, यानी देखिए स्किल टेस्ट में दोस्तों स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका जो है लिया जाएगा, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट इसमें पास हो जाते हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है, तो सेकेंड स्टेज में देखिए आपका जो है रिटर्न एग्जामिनेशन लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फॉर्मेलिटी के लिए आपका जो है मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन इसमें होगी। दोस्तों देखिए पेपर जो आप लोग होगा सो प्रथम चरण में, जो कि कौशल जांच परीक्षण यानी स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिए 2 पेपर आपका लिया जाएगा, ठीक है, जो कि प्रथम चरण में कौशल जाँच परीक्षण, इसमें देखिए 2 पत्र होंगे, ठीक है। दोनों पत्र की परीक्षा एक ही तिथि को जो है आयोजित होगी। प्रथम पत्र दोस्तों देखिए आपका जो कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पर देखिए हिंदी अंशुलेखन की जांच होगा प्रथम पेपर में। इसमें देखिए हिंदी अंशुलेखन की जांच हेतु 500 शब्दों का 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक हिंदी श्रुतलेख दिया जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसके डिटेल बताया गया है। श्रुतलेख अंशुलेखन की विशेषज्ञ व्यक्ति के द्वारा उच्चारित किया जाएगा। श्रुतलेख के पूर्व 1 मिनट का समय श्रुतलेख का अभ्यास तैयारी हेतु दिया जाएगा, ठीक है। और श्रुतलेख का कंप्यूटर पर टंकित करने हेतु 40 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर टंकन आरंभ करने के पूर्व 5 मिनट का समय श्रुतलेख को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। श्रुतलेख के टंकन की शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत ही करनी होगी, ठीक है। और श्रुतलेख के टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 5% से अधिक गलती नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा गलती हो जाएगा तो आपको देखिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, 5% से ज़्यादा आपको जो है गलती नहीं होना चाहिए और टाइम पर आपको जो है कंप्लीट भी करनी होगी इसका। तो आपको जो है काफ़ी मेहनत करनी होगी, प्रयास करना होगा दोस्तों, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, मतलब अभ्यास करनी होगी। उसके बाद देखिए द्वितीय पत्र किस तरह से लिया जाएगा। इसके अंतर्गत कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। इसके अंतर्गत एक तालिकावार आंकड़ा से संबंधित प्रश्न होगा। प्रश्न में जो है दिए गए निर्देशों के अनुसार जो है निम्नांकित कार्य करने होंगे। तो क्या करना होगा, देखिए पहला नंबर, उक्त तालिका आंकड़े को MS Word पर जो है टंकित करना होगा। तो देखिए आंकड़ा आपको दिया जाएगा और उसको MS Word पर देखिए आपको जो है टाइप करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए MS Excel पर आंकड़ों की प्रविष्ट
वरिष्ठ एवं औसत, जोड़ घटाव इत्यादि से संबंधित गणना करना होगा आपको। एमएस एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के आधार पर पाई चार्ट, बार चार्ट आपको तैयार करनी होगी। फिर एमएस एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के आधार पर एमएस पावर पॉइंट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हेतु स्लाइड आपको जो है तैयार करनी होगी। फिर दोस्तों जितना भी आप कार्य किए हैं इसको देखिए आपको ईमेल आईडी पर भेजना, सबसे पहले सेव करना होगा एक फोल्डर, नया फोल्डर बना करके उसको जो है ईमेल आईडी पर देखिए आपको जो है भेजनी पड़ेगी। और इसके लिए देखिए दोस्तों आपको जो समय दिया जाएगा देखिए 1.5 घंटा यानी 90 मिनट की होगी और प्रत्येक खंड जो है 25-25 अंक के हिसाब से कुल मिलाकर 150 अंकों का देखिए परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30% आपको जो है प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए कौशल जाँच अंतर्गत अभ्यर्थी को अंशु लेकर जाँच परीक्षण एवं कंप्यूटर योग्यता चालन परीक्षा अलग अलग देखिए आपको जो है उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, यानी दोनों परीक्षा को अलग अलग उत्तीर्ण करना होगा, 30% कम से कम आपको जो है पासिंग के लिए लाना होगा। उसके बाद देखिए द्वितीय चरण का जो आप लोग का एग्जाम होगी दोस्तों, द्वितीय चरण में देखिए क्या किस तरह से पेपर आपका होगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखित परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, ठीक है, 2 पत्र आपका होगी। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ ढंग का पूछे जाएंगे, एक सही करने पर आपको 3 अंक मिलेगा और गलत करने पर 1 अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आप अवेलेबल रहेगा, ठीक है। देखिए पत्र, प्रथम पत्र में 3 घंटा का समय मिलेगा आपको। इन पत्र में 4 विषय से संबंधित देखिए प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि हिंदी भाषा से 25 प्रश्न 75 अंक, अंग्रेजी भाषा से देखिए 25 प्रश्न 75 अंक, सामान्य अध्ययन से 25 प्रश्न, रीजनिंग से देखिए 25 प्रश्न, कुल मिलाकर 100 प्रश्न 300 अंकों का देखिए इसमें आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें भी दोस्तों आपको 30% अंक आपको जो है कम से कम लाना अनिवार्य होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए प्रथम पत्र का जो है पाठ्यक्रम, यहाँ पर टॉपिक देखिए दिया हुआ है, कहाँ से देखिए आपसे जो है सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सब दोस्तों टॉपिक आपको जो है अच्छे तरीके से देखनी है। उसके बाद देखिए द्वितीय पत्र, इस पत्र में जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उराव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचप्रज्ञिया, उड़िया में से कोई एक भाषा आपको सेलेक्ट करनी है, जो कि बहुविकल्पीय है। इसमें आपको प्रश्न दिए जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 300 अंकों का देखिए एग्जाम होगा। ये अभी 2 घंटा का समय आपको इसमें भी मिलेगी दोस्तों। और देखिए यहाँ पर जो है इसका पूरा डिटेल में सिलेबस दिया हुआ, कौन से सब्जेक्ट्स जो है क्या क्या पूछा जाएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, PDF आप डाउनलोड करके डिटेल में जो है इसका देख सकते हैं। दोस्तों लेटेस्ट वैकेंसियों की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि समय पर आपको वैकेंसियों की अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।